कर्शियन, माय नेम इज मानसी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, साड़ी रैप, स्किन केयर और बहुत सारे हॉल वीडियोस भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन टाइटल, आज आपके साथ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है ये। और मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अपनी एक सिंपल साड़ी, प्लेन साड़ी या फिर कोई प्रिंटेड साड़ी जिसमें कोई हैवी बॉर्डर नहीं है, नॉर्मल साड़ी है, उसको एज अ गाउन आप कैसे पेयर कर सकते हो, एज अ फिश कट में उस साड़ी को कैसे पहन सकते हो, ये तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप उस साड़ी को ड्रैप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया? यदि नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जाइए जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये है मेरी साड़ी जिसको मैं आज आपको एज अ गाउन और एज अ ड्रेस आपको पेयर करके दिखाने वाली हूँ, कैसे आप एक साटिन साड़ी या अनदर जो सिंपल साड़ी होती है जिसको आप इजिली ड्रैप कर सकते हो, उसको कैसे कैरी कर सकते हो एज अ गाउन या एज अ ड्रेस। एज यू कैन सी, ये फॉल वाला साइड है, ये फॉल वाला साइड हमें नीचे रखना है और इसके बाद ये नॉट जो है, हमें ये कॉर्नर पे हल्की सी नॉट लगा के इसके बाद हम इसको टक करना स्टार्ट करेंगे अपनी बेली पे। तो अभी मैं इसको पेयर करने वाली हूँ अपने एक सीक्वेंस टॉप के साथ जो कि शीन का है, और आप देख रहे हो ये sheen.com से मैंने परचेज किया है सीक्वेंस क्रॉप टॉप ब्लैक कलर का, और इस तरीके से हम मैंने इसे टॉक करना स्टार्ट किया है। और साड़ी को घुमाने से बेटर है आप खुद घूम जाओ, क्योंकि इस तरीके से कपड़ा बार बार इधर उधर करोगे तो वो गंदा भी हो सकता है, तो मैं खुद ही राउंड घूमना प्रिफर करती हूँ। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पीछे अंदर अपने बैली में, अपने पेटीकोट पे टक कर लेंगे इसे, और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे कुछ यूं इस तरीके से, क्योंकि हमें क्या करना है, आप इस तरीके से इसे चेक कर सकते हो, आपको सिंपली इसका पल्ला आपको एक रफली प्लीट्स बनानी है पल्ले की, सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए। तो हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे सबसे पहले, ये मैंने इसकी लेंथ मेजर कर ली, हमें नीचे तक की इसकी लेंथ रखनी है, फ्लोर लेंथ तक का होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा उससे ऊपर हो। और उसके बाद अब हम बनाएंगे इसकी प्लीट्स, इसको अब यहाँ पे हमें इस बार यहाँ पे हमें कोई साटिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे गाउन स्टाइल में पहनने वाले हैं तो ये हमारा दिखने नहीं वाला है। आप नॉर्मली इसको अंदर इस तरीके से टक कर लीजिए और इसके बाद मैं बनाऊंगी इसकी प्लीट्स। तो इसकी प्लीट्स बनाते हैं कुछ यूं इस तरीके से। अब हमने इसे अच्छे से पिन कर, इसको अंदर टक कर दिया है इसके प्लीट्स को। अब हम इसके प्लीट्स को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरीके से ताकि ये खुली खुली सी हो जाए थोड़ी। तो इसको हम इस तरीके से फ्लेयर टाइप का कर रहे हैं, एज यू कैन सी गाइस, थोड़ी सी आगे से चुन्नर टाइप की इसकी बन जाए। और अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन करेंगे, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन किया है, पिन किया, साड़ी पिन किया हुआ है इस तरीके से कुछ यूं। और अब इसके बाद ये बड़ी सेफ्टी पिन लेके हम इसको अंदर से सेफ्टी पिन करेंगे, बस फर्स्ट लेयर को छोड़ते हुए, या तो आप पिक भी कर सकते हो, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके बाद इसको मैंने अंदर ही इसे सेफ्टी पिन कर दिया है जो इस तरीके से मैंने अंदर से इसे सेफ्टी पिन कर दिया है। और अब इसके बाद आपके इसके पल्ले को आपको उठाना है और इस पल्ले को हम स्ट्रेच करते हुए प्रॉपर, यू देख सकते हो आप, ये अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपको इसे कैरी करना है, पहले वो इस तरीके से आपको इसे पकड़ना है कि यहाँ पे ये आपका कर्व काफी अच्छा आना चाहिए, जो आपका काउ रिंकल्स हैं ये जो आते हैं अच्छे से आ जाए। और इसके बाद आप इसे इस तरीके से कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपको इसको ऐसे लेके जाना है, कुछ यूं,
कुछ यूं इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे और इसके बाद हम इसे पीछे से राउंड करते हुए, एज यू कैन सी मैं कैसे कर रही हूँ, स्ट्रेच अच्छे तरीके से और इसको हमें यहाँ पे पिन करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पार्ट है ना, इसको हमें कैरी करना है, इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से आपको इस तरीके से पकड़ते हुए इसको इसके साथ अंदर से सेफ्टी पिन करना है। हमने जो एक और लेयर अंदर डाली है इसकी, इसके साथ हम इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन करेंगे। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमने इसे सेफ्टी पिन कर दिया है। अब ये इस तरीके से कहीं नहीं जाने वाला है। अब हम इसको हल्की 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 प्लीट्स टाइप का बनाएंगे इसका, तो हम इसकी प्लीट्स ही बना लेते हैं छोटी छोटी। बैक कर दिया है और अब हम इसको सेफ्टी पिन करेंगे यहाँ पे, और यू इस तरीके से हमने इसे अंदर सेफ्टी पिन भी कर दिया है। आप देख सकते हो गाइस कि ये कितना ब्यूटीफुल फिश कट सा गाउन लग रहा है और काफी आपके जो आपकी बॉडी है उसको काफी शार्प शो कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। यू कैन सी ये आप स्टाइल किसी भी साड़ी, किसी भी शादी पार्टी या अनदर कोई भी पार्टी में आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, यूनिक है और बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी कोई स्लीवलेस आप इसके ऊपर पहनते हो तो वो तो और भी अच्छा लगने वाला है। मैंने फुल टॉप पहना हुआ है, फुल टॉप भी इसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। सो यू कैन सी दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल। और आप देख सकते हो गाइस कि ये प्लेट्स कितनी सही तरीके से आ रही है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा ड्रैग फॉर्म में लगाया हुआ है, एक के ऊपर एक नहीं थोड़ा सा ड्रैग किया है, तो ये काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही एलिगेंट पीस लग रहा है। और आप चाहो तो इस तरीके की कोई ब्रोच लेके आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, एज अ बेल्ट टाइप का दिखेगा। मैं अभी आपको इसको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ। सी गाइस कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये, काफी अच्छा लग रहा है। यू कैन सी गाइस कितना ब्यूटीफुल है ये, कितना अच्छा एलिगेंट सा पीस लग रहा है। और आपको गाउन खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपनी साड़ी से ही गाउन बना सकते हो। देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से अब मैंने ट्रैप करके आपको बताया। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो था, ये मेरी खुद की थिंकिंग थी जिसको मैंने सोचा और थोड़ा सा आपके सामने इसको शेयर किया है मैंने, और ये मेरे खुद के आइडियाज हैं। मैं कहीं से कोई आइडिया कॉपी नहीं करती हूँ, सारे आइडिया मैं अपने ही दिमाग से सोचती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को कर देना लाइक, और गाइस प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत 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 इंस्पायर करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आप लोग क्या वीडियो देखना चाहते हो आगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो जरूर कीजिएगा।
So thanks for watching guys. Thanks for your love. Bye bye. Take care.